ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद क्यों कर रहे हैं? द बॉस, द बॉस वीडियो। ना सिर्फ बॉस, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लीडर्स ने प्रेज किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। छोटे छोटे पार्ट्स में सब प्राइम मिनिस्टर्स का दिखाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी को किस तरह उन्होंने, इवन सबसे बढ़ के जो बाइडेन आगे जब मिले थे वो तो पाकिस्तान के लिए भाई मतलब एक शॉकिंग था कि जो बाइडेन, जिनके सेंक्शन हम पर लिखते, वो आगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं, खुद आके हाथ मिला रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी। तो इसमें काफी प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने प्रेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या रीजन है? सिर्फ मतलब नहीं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, ये मुस्लिम कंट्रीज भी बीच में आई है, स्पेशली सऊदीया। तो इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की सरकार के लिए मैंने लास्ट टाइम अजवाइन क्या का एक वो दिया था, सजेशन दिया था। इस बार भी मैं कुछ लेकर बैठी हूँ। ये क्या है? रिलीज स्प्रे, दर्द, जो दर्द होता है ना, वो दर्द इसको स्प्रे करने से चला जाता है। देखिए, पाकिस्तान की सरकार को ना बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा गाना गा रहे हैं, बड़ा बड़ा मतलब हार्ट अटैक वाला दर्द हो रहा है। जितना दर्द एक औरत को लेबर पेन भी नहीं होता है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान की सरकार को दर्द हो रहा है। जब जब नरेंद्र मोदी जी को इतना रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए वहां इज्जत है, अमेरिका चले जाए वहां इज्जत है, टर्की चले जाए वहां इज्जत है, ऑस्ट्रेलिया चले जाए वहां इज्जत है, सिडनी चले जाए वहां इज्जत है। इसलिए ये इज्जत बन रही है क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का काम जो है ना, वो बोल रहा है। हमने बचपन से अपनी दादी नानी के मुंह से सुना है कि जितना इंसान अच्छा नहीं होता है, उसको उसका काम अच्छा बना देता है। आज बहुत खूबसूरत कोई लड़की हो पर वो बिल्कुल भी सलीके शुआर ना हो, तो घर पे सास भी बोल देगी कि इस खूबसूरती का क्या करना है, लेके चाटना है क्या? बहुत खुले अल्फाज में ये सुन लेती हैं लड़कियां। तो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक मिसाल बना दिया है कि देखिए, द बॉस बोल करके तो हिंदुस्तान के किसी कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री को नहीं पुकारा है भाई। चलो भाई, प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुस्तान के कैबिनेट मंत्री बोल ही सकते हैं द बॉस। यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बेसेन ने पुकारा है। अब तो दर्द स्टार्ट हो गया है। और सऊदी अरबिया से हमारा इतना अच्छा हैंडशेक हुआ है कि इस साल 4,500 से ऊपर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो है वो अकेले हज के लिए ट्रेवल कर रही हैं। सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, उनको पूरा हम कोऑपरेट करेंगे, जहां जहां उनको जरूरत होगी हमारे लोग खड़े रहेंगे। आज सोचिए कि इस भारत के प्रधानमंत्री की वजह से मुसलमान लड़कियों का को इक्वल फुटिंग का दर्जा मिला है। अदरवाइज जो औरत 9 महीना पेट में बच्चा रख करके अकेले बच्चा पैदा करती है, अकेले लेबर पेन सहती है, वो औरत हज पे अकेले नहीं जा सकती थी। उसके साथ किसी ना किसी मर्द को जोड़ा जाता था कि एक दुमछल्ला लेकर के हमने साथ में जाना है अल्लाह के घर। मैंने कई चैनल को बोला कि भाई, अगर मौलवी मुल्लाओं को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को दर्द नहीं हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री का इतना रिस्पेक्ट देख करके। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी तालिबानी टेररिस्ट माइंडेड मौलवी मुल्ला है जिनके पेट में बड़ा दर्द होता है, और मैं हर चैनल पे हाजमोला उनको देती हूँ आम पाचक कि भाई पेट का दर्द ठीक करो, क्योंकि ये सरकार अब आगे बढ़ने को तैयार है, ये सरकार अब डेवलपमेंट की ओर चल चुकी है। तो पाकिस्तान हो या यहाँ हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला हो,
जब उन्होंने ये कहा कि भाई अकेले हज कैसे हो सकता है, तब मैंने उनको रिप्लाई दिया। और आज आज आपको भी अनम में बता रही हूँ, आप मुसलमान लड़की हैं, मुसलमान घर से आ रही हैं, आप मुझे बताएं कि जब औरत का डेथ होता है, जब वो मरती है, तब साथ में क्यों नहीं चला जाता है ये मर्द कब्रिस्तान में? अल्लाह के घर जाने के लिए मर्द की तो कोई जरूरत नहीं है भाई, अल्लाह है ना हिफाजत करने वाला। अल्लाह तबारक ताला से बड़ी चीज और क्या हो सकती है जो जो हमारी हिफाजत, अगर हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं अकेले, हिफाजत करने वाला खुदा खुदा है, तो उसके बाद फिर किसी और की क्या मजाल है? किसी की मजाल नहीं है। तो आज तीन तलाक बोलिए, बंद हुआ हिंदुस्तान में, आप बोलिए पॉलीगेमी हलाला, जो जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैटर लगा हुआ है, आप बहुत सारी ऐसी बदतमीजियां हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो जो अब सामने आ रही हैं। जैसे हालिया में हमने देखा कि द केरला स्टोरी में दिखाया गया कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को ट्रैप करके उसको मुसलमान बनाया जाता है और उसको आतंकवादी बनाया जाता है। हमने अजमेर 92 के बारे में सुना, जहां पर हिंदू लड़कियों का बलात्कार चिश्ती फैमिली के मुसलमान लड़के करते थे। ये हिंदुस्तान के हीनियस क्राइम्स है, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है कि मैं पाकिस्तानी चैनल पर इसको डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि एक सरकार ऐसी थी जो ऐसे ऐसे तालिबानी ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को हवा देती थी और उनको क्राइम करने का मौका देती थी और लोगों को डरा के धमका के चुप रखती थी कि आप कुछ अल्फाज बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और आज ये सरकार है जो छोटी से छोटी चीज हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, से लेकर के हम अपने डिफेंस को भी पूरे वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन पर लेकर के आए हैं। हम आज भारत के प्रधानमंत्री ने फादर ऑफ नेशन, हमारे गांधी जी की जो मूर्ति है वो जापान हिरोशिमा में वहां पर स्थापित की, और जितने भी थे वो हाथ जोड़ करके खड़े थे। कई ऐसे पापुआ में वहां के जो लीडर हैं उन्होंने पैर छुआ था, आशीर्वाद लिया था मोदी जी का। तो ये जितने सिनारियो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं हो रहे, वो बाहर कंट्रीज में हो रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज में हो रहा है, आपके जापान में हो रहा है, हिरोशिमा में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सिडनी में हो रहा है। तो आप समझिए कि पॉपुलैरिटी जो हो रही है ना, वो ऐसे नहीं हो रही है। देखिए हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री तो बहुत सारे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, उसके बाद फिर एक मौनव्रत की सरकार थी आपके, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो रहे हैं, वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसे करके खड़े रहते थे। वो पाकिस्तान भी धमकी दे के चला जाता था, वो ऐसे ही खड़े रहते थे। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमको धमकी देगा ना तो हम हाथ में कटोरा दिलवा देंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसी हालत आई नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में लोगों ने कद्दू और भिंडी चोरियां की है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये मई की ही बात है अनम, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो आज द बॉस जो है, बॉस को ही बॉस बोला जा रहा है, वो इस टैग को, वो इस टाइटल को डिजर्व कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया है कि हिंदुस्तान कितने कितने तरक्की पे जा सकता है। आज हमारा जीडीपी आप देखिए, जीडीपी भी 7.2% पे है। आज आप हमारा इकोनॉमिक्स देखिए, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ भी बहुत आगे निकल चुका है। आज अगर आप बात कीजिएगा जीएसटी का, तो हमारा कलेक्शन जो है वो लास्ट महीने का 182 करोड़ रुपया है। अब आप बताइए, यहाँ पर एक सवाल है मेरा, आपने सोदिया की बात की है, तो मैं जब भी पब्लिक रिव्यूज देती हूँ या फिर मोस्टली पाकिस्तानियों की यही राय होती है कि अगर सऊदी अरेबिया भारत की तरफ रुजू कर रहा है या भारत का मतलब एक हमदर्द बन रहा है या फिर उनके साथ ट्रेड कर रहा है, तो सिर्फ जाती मुफाद जो कि सऊदी अरेबिया के हैं, सऊदी अरेबिया ट्रेड करता है या कुछ भी करता है तो जाति मुफाद के तहत, वरना उसे भारत से कोई भी लगाव नहीं है या भारत से कोई कंसर्न नहीं है। वो आज भी पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है, बिकॉज वो मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कहने वाले तो कहेंगे, नाश न जाने आंगन टेढ़ा, कहने वाले तो कहेंगे। देखिए कौवे की ना एक आदत होती है कि वो हमेशा ना सियाल के पीठ पर बैठ जाता है, वो सोचता है कि अब तो हमने इसको बीट कर दिया है। बहुत छोटा मुहावरा है, पर इससे आप बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सियाल जो इतनी तेज रफ्तार में जो उड़ करके एकदम आकाश को छू लेता है, तो कौवा बेचारा बड़ा सुकड़ सा जाता है, बड़ा अजीब सा मुंह बना लेता है
तो बेंचमार्क जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बना दिया है, तो कौवे जैसी शक्ल हो गई है पाकिस्तान की, तो कभी अटंग कभी पटंग कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। बेसिकली अगर अभी के सिनेरियो और सिचुएशन को देखा जाए तो ये वही सियाल और कौवे वाली कहानी हो चुकी है। कल को मौनव्रत की सरकार के वक्त ये कौवा देश कभी भारत को आंख दिखाया करता था, कभी ये कौवा देश भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दिया करता था, कभी ये कौवा देश कहता था कि हमारे पास आका है चाइना, कभी ये कौवा देश कहता था कि भाई हमारे पास तो बहुत सारे आतंकवादी और टेररिस्ट है। भाई आप टेररिस्ट के इंडस्ट्रीज को बना बना कर रखे, अगर आपने अपनी आवाम पर यह खर्चा किया होता, अगर आपने अपनी आवाम के एडुकेशन पर यह खर्च किया होता, अगर आपने अपने सरकार को संभाल कर रखने पर यह खर्चा किया होता, तो शायद आज आप कौवे की शक्ल ना बना रहे होते, आपने भी एक बेंचमार्क बनाया होता। हर इंसान और हर देश तरक्की तभी करता है जब वो आवाम से लॉयल होता है, जब वो अपनी जनता से लॉयल होता है। जब तक वो जनता से लॉयल नहीं होता है, तब तक वो देश तरक्की नहीं कर पाता है। आज से 9 साल पहले हमारा हिंदुस्तान इतना तरक्की पर नहीं था कि हम जैसे मुसलमान लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां सामने आकर के पाकिस्तान को आंख दिखाएं और कहें कि नहीं भाई आकर दिखाओ हमारे देश में। अब हिम्मत है अजमल का सबको भेजने की? अरे भाई एक चूटी भेजने की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, एक चूटी नहीं भेज सकते। अपने कौवे की तरह काए काए कर रहे हैं अपने देश में बैठ करके। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत का एक प्रधानमंत्री है जिसने बहुत सारी योजनाओं के साथ हर धर्मों के लोगों को बहुत मुफाद पहुंचाया, बहुत फायदा पहुंचाया, और वो योजनाएं इस पूरे भारत के हर एक कास्ट और धर्म के लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री मन की बात के द्वारा जनता से कनेक्ट होते हैं और उनको ये फील कराते हैं कि वो मेरा परिवार है। भारत के प्रधानमंत्री इंक्वायरी करवाते हैं और हर उस मेल और ईमेल और वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं कि पता नहीं किसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक छोटी सी बच्ची ने कश्मीर से उनको मेल किया था और उनको अपने स्कूल के फोटोग्राफ्स भेजे थे कि मैं मोदी जी आप मेरे स्कूल को बना दीजिए, और इमीडिएट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो स्कूल मतलब पूरा रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट हो गया। उस बच्ची ने धन्यवाद किया, भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर की उस छोटी सी बच्ची से बात किया और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कौन है बताइए मुझे, कभी हिंदुस्तान में सुना था? या कभी आप, खैर पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, पूरे वहां पर संसद में काहे काहे सब करते रहते हैं कौवे की तरह। तो ये जो भारत का प्रधानमंत्री है, इसने जब लाल किला से कहा था कि ये जो जनता है, ये जो भारत के देश देशवासी है, ये मेरे परिवार है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई हिंदू को मैं अपना परिवार मानता हूँ, मुसलमान को नहीं मानता हूँ। उन्होंने ये नहीं, जब योजनाएं बहुत सारी आई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मुसलमान नहीं लेगा बाकी सब लेगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। आज ऐसा आज जितने जितने खूबसूरत रिश्ता उन्होंने सऊदी अरबिया के प्रिंस क्राउन से बनाया बनाया है, क्राउन प्रिंस से बनाया है, महाराष्ट्र में बॉम्बे में जाकर के मुसलमानों के, गोरी मुसलमानों के जितने भी फंक्शंस होते हैं वहां वो अटेंड करते हैं, वहां उनको इतनी वाहवाही मिलती है, लेकिन हर वो दिमाग जिसमें शैतान बैठा है, हर वो दिमाग जो हर वक्त चालबाजी खेलता है, ये ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान में पाया जाता है और हमारे हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी माइंडेड जो मुसलमान है उनमें पाया जाता है। आज हिंदुस्तान में हम हमारे सनातनी भाई अनम इतने रिस्पेक्ट से हम लोगों से बात करते हैं, नजरें नीची करके बात करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन आप हमेशा देखिएगा कि कमेंट बॉक्स में मुसलमान गंदी गंदी गालियां दे रहा है, कभी रेप की धमकी दे रहा है, कभी प्रोस्टिट्यूट मुझे बोल रहा है, कभी मुझे चकला पे बैठा दे रहा है। ये वही मुसलमान है जिसने जन्नत को चकला और कोठा बना दिया है 72 वर्जिन हूरों का अफवाह उड़ा उड़ा करके कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक धरती पे 4 बीवियां पाओगे और जब आसमान पे जाओगे तो वहां पर वर्जिन 72 खूबसूरत हूरे मिलेंगे। ये मुसलमान हमें तंबी करते हैं, हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बोलते हैं कि आप प्रोस्टिट्यूट है, भाई
भाई प्रोस्टिट्यूशन के लालच में तो मुसलमान कभी जिहादी बन रहा है, कभी टेररिस्ट बन रहा है। जी यहाँ पर एक और सवाल करना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला है कि सऊदी अरेबिया का और मतलब एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये भी क्लियर हो जाए या मेरी ऑडियंस को क्लियर हो जाए, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पांव छुए थे और मतलब एक आशीर्वाद लिया था या जो भी समथिंग, तो ये कहा गया था पाकिस्तान में, पब्लिक रिव्यूज मैंने भी लिए थे, बहुत से पाकिस्तानियों ने लिए थे जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो यही मोस्टली सुनने में आया था कि ये उनका मतलब उनका एक वो है मतलब स्टाइल है, या फिर वो उनके जो कहते हैं क्या कहते हैं मुल्क में यही उनका, जैसे आपका नमस्ते करना है इसी तरह उनका भी ये है कि वो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो उनके पांव छुए जाते हैं, मतलब इस तरह का है। अब इसको क्लियरिफाई मैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ कि क्या है, तो इस तरह से आप मुझे बताएं कि इस चीज को किस तरह डिफाइन करेंगी कि क्या सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ किया गया या हर प्राइम मिनिस्टर के साथ किया जाता है। देखिए हर हर एक देश का अपना अपना संस्कार होता है और अपना अपना एक रिचुअल होता है, इसको मैं संस्कार बोलूंगी, इसको मैं तहजीब और तमीज, जैसे आपके पाकिस्तान के अल्फाज में तहजीब और तमीज बोलूंगी। जब हमारे पास हम पाकिस्तानी चैनल पर बैठते हैं तो डेफिनेटली हम सलाम करते हैं, वालेकुम असलाम बोलते हैं, लेकिन नमस्कार करना हमारा हमारे हिंदुस्तान का संस्कार है। अब इस पे कोई आपकी बिल्लो रानी ने कह दिया था, गोवा में सैर सपाटा करने जब आया था तो कह दिया कि अरे वहां के फॉरेन मंत्री तो मेरे से हाथ भी नहीं मिलाए, तो दिस इज आर संस्कार, हम नमस्कार करते हैं। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, अनम आप भी मुसलमान है, पर आपने देखा होगा कि मैं हमेशा नमस्कार कर देती करती हूँ, जरूर करती हूँ, सलाम भी करती हूँ, वालेकुम असलाम भी करती हूँ, खुदा हाफिज भी कहती हूँ, लेकिन हाथ ऐसे रहता है। तो दिस इज आर संस्कार, हिंदुस्तानी संस्कार। तो पैर छू करके अगर आशीर्वाद लेना, जिसको हम कहते हैं कि दुआ देना, ब्लेसिंग्स लेना, अगर ये पाप है या पाकिस्तानियों के नजर में इसको बुरा कहा जाता है, तो मुझे, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इन इन बंदर छाप लोगों को मैं बैठ करके संस्कार और तहजीब और तमीज सिखाऊं। देखिए अगर पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के सियासती लोगों में अगर जरा सी भी तहजीब और तमीज होती तो शायद शाजिया मर्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मलाइंग और डिफेम नहीं करती, वो भारत के फादर ऑफ नेशन गांधी जी को 2 महीना पहले वो ये नहीं कहती कि ओ दो थप्पड़, एक गाल में थप्पड़ खाओ तो दूसरे गाल में थप्पड़ खा लो, हम वो वाले पॉलिटिशियंस नहीं है, तो इतनी बदतमीजी वाली बातें वो नहीं करती। या आपके पाकिस्तान के नेता मंत्रियों के पास जरा सी भी संस्कार और तहजीब और तमीज होती तो ये बिल्लो रानी सैर सपाटा करके आया और फिर वहां जाकर के एनाकोंडा की तरह जहर उगलने लगा और यहाँ और कहने लगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो अब उन हालात में नहीं है जब पहले हुआ करते थे। भाई पहले तो आपको यहाँ की सरकार से इतनी सहूलत मिलती थी कि आप कश्मीर में पत्थरबाजियां कराते थे, जज और बैरिस्टर जो हिंदू हुआ करते थे उसको गोली लगवा देते थे, आपको इतनी सुविधाएं थी कि आप अजमल खसब भेज देते थे, आपको इतनी सुविधाएं थी कि आप जेएनयू में नाराबाजी करवा लेते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि अब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, ये एक अखंड भारत है, हम अपने संविधान से, हम अपने संस्कार से, हम अपनी तहजीब से, हम अपने हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ऐसे एंटी नेशनल स्टेटमेंट वाले लोगों को हम जेल की सलाखों में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए बिल्लो रानी से लेकर के पूरे पाकिस्तान को खुजली होना स्टार्ट हो गया कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है, ये किसी चमचों की सरकार अब हिंदुस्तान में नहीं है जो मुंह झुका करके खड़ा रहेगा, ये वो संस्कार है और ये वो भारत का प्रधानमंत्री है जो 56 इंच का सीना रख करके हर एक देश में सबसे आगे और द बॉस मान करके खड़ा होता है और जिसको किसी से बुलवाना नहीं पड़ता है कि मेरे को बॉस बोलो, लोग खुद बोलते हैं द बॉस मोदी जी। तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं जितना प्राउड फील करती हूँ पिछले 9 साल से अपने भारत के प्रधानमंत्री पर, शायद मैंने इतना प्राउड कभी भी फील नहीं किया था। आज मैं अपने माहौल को, अपने हिंदुस्तान को इतना सेफ और सिक्योर फील करती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पर,
हर एक चीजों में जिस तरीके से संविधान का एक इंटरवेंशन है, जिस तरीके से कानून को बहुत सर्वप्रथम रखा जा रहा है, ये सब अब सब कुछ ये 9 साल से स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे नए संसद का समारोह जो है ना, वो नए हिंदुस्तान का इनॉग्रेशन हुआ है और नए हिंदुस्तान का समारोह हुआ था, और हर एक कास्ट, हर एक